अब हम पहुंचे हैं कठुआ के पास, जहां पे दाल का पकोड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहां पर रुके हैं। अब आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कि ये दाल का पकोड़ा है और मिर्च का पकोड़ा, दाल का पकोड़ा और मीठी चटनी, हरी चटनी। ये भैया से पूछेंगे ये दाल का पकोड़ा यहां का क्यों फेमस है। दाल का पकोड़ा है जी, छोले की दाल का है? छोले की दाल का, छोले की दाल का और क्या साथ में मिर्ची है कि तो यहाँ फेमस है क्या ये? काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं। हाँ। तो यहाँ से वैष्णो देवी कितनी दूर है अभी? 40 किलोमीटर कट रहा है। अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र हमारा पड़ा है जो तय करना है। और रात के भी टाइम क्या हो गया? 9:30। आप देखिए कि जो हमारे साथ और भगत जन जा रहे हैं उनसे भी कुछ पूछते हैं कि हाँ जी। और यहाँ पर मनोज वर्मा जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं अभी तक कैसा रहा आपका, कैसा रहा आपका सफ़र अभी तक? बहुत बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। तो अभी कितना डिस्टेंस और? अभी तो मेरे ख्याल 1-1.5 घंटा और लगेगा। हाँ, 2 घंटे लग जाएंगे अभी जाने में, वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और नॉन स्टॉप चलेंगे। और कल हमारा टारगेट है कि कल शाम को 4 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे करनाल। आज लेट हो गए काफ़ी, रास्ते के अंदर भीड़ थी। हाँ, लेट हो गए। कुछ तो आंदोलन चल रहा था और कुछ लंगर सेवा भी ऐसी थी जो रुकते रुकते आए, खाते पीते आए। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर हमारे साथ चाय वाले भैया भी हैं, इनसे भी थोड़ा पूछते हैं। हाँ जी भैया, ये कब तक शॉप खुली रखते हो रात को? सर 24 घंटे चलता है। 24 घंटे? हाँ जी। तो आप 24 घंटे यहीं रहते हो या शिफ्ट में? शिफ्ट बाई शिफ्ट सर। अच्छा, शिफ्ट 8 घंटे। ये जो दाल का पकौड़ा यहाँ बना हुआ है, ये फेमस है यहाँ का? फेमस सर, ये कम से कम 70 साल पुरानी आइटम है हमारी। ये इतना फेमस क्यों है यहाँ पे, क्या इसमें क्या स्पेशल है? ये सर देसी काम है, अब तो थोड़ा हो गया है, मतलब ग्राइंडर से निकालते हैं दाल को। पहले हाथों से होता था सारा काम, डंडे कुंडे से, मतलब देसी काम है। इसका टेस्ट बढ़िया बनता है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। तो आप कहाँ पे रहते हो? इधर लोकल हैं सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये चाय की दुकान है आपकी? हाँ जी, चाय की। नाम क्या आपका? नाम मेरा करण सिंह। तो यहाँ पे करण सिंह जी हमारे साथ थे, बहुत ही अच्छी चाय बनाई है और बहुत ही अच्छे पकौड़े हैं। आइए आपको भी पकौड़ों का आनंद दिखाते हैं कि कैसे पकौड़े हैं। ये देखिए कि दाल के गर्मा गर्म पकौड़े। चटनी कहाँ है?